ना, डॉक्टर ने किया है ना, डॉक्टर ने रेफर किया था। ये पेशेंट हमारे पास रात को 12 बजे आया था। इसका नाम नारायणी देवी है। सुबह जब ये मेरे द्वारा एग्जामिन किया गया करीब 9 बजे, तो देखा गया बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा है। बच्चे का वज़न ज़्यादा होने के कारण और कोई भी जांच उसके पास नहीं थी, ना कोई अल्ट्रासाउंड, ना ही कोई ब्लड की जांचें। पेशेंट को उसकी जटिलता समझाई गई, रिस्क समझाया गया कि ये इतना बड़ा बच्चा फंस भी सकता है, इसलिए पेशेंट ने अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए कहा, तो हमने उसे अल्ट्रासाउंड के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। अल्ट्रासाउंड कराने जिला अस्पताल गया था, इसलिए मरीज़ थोड़ा लेट आया, 11:30 बज गए थे उसे आते आते। अल्ट्रासाउंड में देखा गया कि सिंगल ही बच्चा है, एक ही बच्चा है, तो लेकिन बच्चे में कोई डिफेक्ट नहीं था, कोई हाइड्रोसिफेलस वाली कंडीशन नहीं थी, इसलिए हमने फिर से उसे जांचें करा ली। बाय चांस अगर ये डिलीवरी के समय फंसता है तो हमारे पास जांचें हों तो हम इसका ऑपरेशन प्लान कर सकें, या उससे पहले हम प्लान कर सकें। जब उसकी पेशेंट की जांचें कराई गई तो उसमें खून की भी कमी आई, शुगर की भी कमी आई, जिसकी जटिलता उसे फिर से समझाई गई और डोनेशन की संभावनाएँ भी हमें बताई गई उसके द्वारा। पेशेंट के रिलेटिव्स की कंडीशन भी अच्छी नहीं थी और वो डोनेट करने के लिए भी कुछ तैयार नहीं थे। इस दौरान फिर जब हमने पेशेंट की जांचें कराने के बाद फिर से उसे एग्ज़ामिन किया, तो देखा गया कि बच्चा काफ़ी नीचे की तरफ आ रहा था और नॉर्मल डिलीवरी की संभावनाएं लग रही थी, तो हमने उसे पूरा कंडीशन समझा दी थी कि आपका प्रसव यहाँ पर आराम से हो जाएगा और उसका प्रसव फिर हमारे अस्पताल में सही तरीके से अच्छे से हो गया। अच्छा मैम, ये जो बाहर परिसर में आ रही है बात, ये क्या था, इसके पीछे का क्या मामला था? पेशेंट को भैया थोड़ा हम बोल मोटिवेट करते हैं, क्योंकि बड़े साइज़ का बच्चा था, कि थोड़ा टहले, लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि आप बाहर चले जाएं थोड़ा, तो इस बीच शायद वो बाहर चला गया और वो प्रसव उसका बाहर हो गया। के प्रसव का मामला है, बताया जा रहा है कि गेट पे प्रसव हुआ है, क्या मामला है उसके पीछे? ये कल की एक प्रकरण है, इसमें मैं तो बीसी में गया हुआ था, कलेक्ट्रेट पर बीसी एनएससी में बीसी में गया हुआ था। वहाँ से लौटने के बाद में 1:30 बजे करीब मेरे उसको मेरे चिकित्सक द्वारा संज्ञान में लाया गया कि ये मरीज कल भर्ती हुआ था, जिसको मेरे चिकित्सक द्वारा भी देखा गया था। मेरा चिकित्सक ने इसकी प्रसव की जटिलता को देखते हुए इसका अल्ट्रासाउंड और ब्लड की जाँच कराई, तो उसे लेबर रूम में ही था और इसका लगभग 1:10 पर इसका प्रसव अस्पताल परिसर में ही हुआ है।